फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दर्शन कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं फिर से अपने प्यारे भाइयों का एक बार स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा। उस चैप्टर हम लोगों ने लेक्चर वन के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, राष्ट्रपति के पद से लेकर महाभियोग तक अनुच्छेद 61 का अनुच्छेद 53 से अनुच्छेद 61 तक की जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जितने भी आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, उनको हम लोगों ने पार्ट वन के माध्यम से पढ़ा। अब हम लोग पार्ट टू पे आएंगे। इस पार्ट टू पे राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, सब जानते होंगे। पार्ट टू के माध्यम से हम लोग उसके बचे हुए कुछ इम्पोर्टेंट और भी आर्टिकल्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, उससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं उनको भी समझना है। इन सब चीज़ों को हम लोग पार्ट टू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आगे के आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं। उन आर्टिकल्स में पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 74 का फर्स्ट, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 74 का फर्स्ट बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स 74 का फर्स्ट। क्या है अनुच्छेद 74 फर्स्ट? इसके लिए बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए यदि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेनी है, उसको लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 53 में कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका मतलब जितने भी कार्य होते हैं देश के अंदर वो समस्त राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। उसी तरीके से यदि किसी प्रकार से राष्ट्रपति को किसी भी इंपॉर्टेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको कोई सलाह लेनी है, तो उसकी सलाह के लिए, मशवरे के लिए हम लोग एक मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं बेटा, गठन करते हैं। जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट के तहत उसका क्या किया जाता है भैया, गठन किया जाता है। तो कोई आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद संख्या बताएंगे 74 का फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है, ये हमारे राष्ट्रपति के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति को भी समझेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आर्टिकल 71 में बताया गया है बेटा, अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति, बात बहुत ध्यान समझिएगा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है, एक्स वाई जेड कोई भी विवाद होता है किसी भी प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में भैया ध्यान रखिएगा उसका जो निपटारा करता है वो निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता, मतलब सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये बात किसमें बताई गई है, आर्टिकल 71 में बताई गई है। तो वही आप लोगों से फिर ध्यान रखिएगा कि कोई पूछे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है, तो करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 71 में। ये उसका कैसा अधिकार है, ये उसका मूल अधिकार है। बहुत ध्यान समझे, क्वेश्चन पूछा गया कई बार पेपरों में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में यदि विवाद होता है तो विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये उसका कैसा अधिकार है, तो आप बताओगे उसका मूल अधिकार है। मतलब कुल मिला के निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 72, आर्टिकल अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 72 बेटा बताया गया एससी में, समझ जाएगा सुप्रीम कोर्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा, कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजाओं को माफ कर सकता है, कौन माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से कोई ये कहे कि यदि किसी भी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय किसी को सजा देता है तो उस सजा को माफ करने का अधिकार, कम करने का, यहाँ पे हम लोग माफ करेंगे, ध्यान रखिएगा, माफ करने का अधिकार किसके पास है, तो सिर्फ पूरे इंडिया में एक संविधान में उल्लेखित एक पद है, उस पद का नाम है राष्ट्रपति। तो एकमात्र ऐसा पद कौन सा है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है, तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं जी राज्य का राज्यपाल, तो ध्यान रखिएगा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान, क्षमादान रखा गया, क्षमादान में कहने का तात्पर्य है कि वो किसी की सजा को कम कर सकता है लेकिन पूर्णतया रूप से माफ नहीं कर सकता है। सिर्फ एक पद ऐसा जो माफ कर सकता है वो कौन है, राष्ट्रपति है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अनुच्छेद 123 में इंपॉर्टेंट है अपने में रखा गया अध्यादेश, क्या रखा गया अध्यादेश।
सर जी अध्यादेश क्या? अध्यादेश को आप बताएंगे सीधे सीधे कानून है। क्या है भैया? कानून। तो कोई पूछे भैया कि अध्यादेश कौन जारी करता है पूरे इंडिया में, मतलब पूरे देश में कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। किस अनुच्छेद लागू करता है? 123 के तहत। किसी राज्य के अंदर कौन लागू करता है बेटा? तो राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल तहत करता है? कुछ नहीं करना है, ये 1, 2, 3 लिखा है, इस 2 को उठा के आगे फेंकना है, फेंक दिया 2 इधर हो गया, 1, 2, 1, 3 क्लियर हो गया होगा, 1, 2, 3। और कुछ नहीं करना है। राज्य में जब बात करते हैं तो राज्य में अध्यादेश कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा। और राज्यपाल जब जारी करेगा तो भैया ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल तक करेगा, कुछ नहीं करना, 2 को उठा के आगे ले आना है, आगे ले आओगे 213 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति। बस एक समझाने बात है कि राज्य के अंदर राज्यपाल किस अनुच्छेद 213 के तहत, देश के अंदर कौन? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद 123 के तहत, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यह अध्यादेश क्या है? एज ए कानून है, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या होता है कानून? जब भी राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में अध्यादेश जारी करता है तो सदैव अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जारी किया जाता है। तो कोई पूछा आप लोगों से कि जब भी अध्यादेश जारी होगा तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? तो अपनी मंत्री परिषद से क्या लेगा बेटा? सलाह लेगा, जो लोग चर्चा चला चुके हैं अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। जो अध्यादेश होता है ये किस तरीके से लागू होता है? एक कानून के रूप में क्या होता है भैया? लागू होता है। अध्यादेश कितने समय के लिए लागू हो सकता है? तो अध्यादेश जिस दिन जारी किया जाता है यदि वह अनुमोदित हो जाता है तो कितने समय के अंदर अनुमोदन होना उसका इंपॉर्टेंट है? तो संविधान के अनुसार 6 सप्ताह के अंदर। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस पर एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो ध्यान समझिएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति के माध्यम से जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 सप्ताह, 6 दिन या कितने समय, सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए या लागू रह सकता है, अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो हमारा लिखा होगा 6 सप्ताह, 6 दिन ऐसे लिखा होगा। तो कभी कभी क्या होता है पेपर में लिखा होता है 6 माह, 6 या 1 साल, 2 माह, 4 माह, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सदा लगा के जाइए कितना भैया? 6 माह। कितना लगा के आएंगे? 6 माह। तो फिर समझिएगा एक बात कि अध्यादेश के अनुच्छेद भैया 123 के तहत कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। किस अनुच्छेद जारी करता है? मंत्री परिषद के तहत क्या करता है? जारी करता है, ठीक ना भैया। आइए फिर से बात देखते हैं, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या लागू किया गया है? अनुच्छेद 123 में हम लोगों ने अध्यादेश का प्रावधान बनाया है। और जो अनुच्छेद 123 का प्रावधान है वो अध्यादेश कानून के बेटा क्या होता है भैया? लागू होता है। तो कोई पूछा अध्यादेश क्या है? तो ऐसा कानून है, लेकिन लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सिफारिश आधार पर लागू करता है? मंत्री परिषद के आधार पर, सिफारिश के आधार पर से क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। कौन करता है बेटा इसे? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद करता है? 123 में करता, ध्यान रखिएगा भैया, ध्यान रखिएगा। जो अध्यादेश होता है वो संसद सत्र के प्रारंभ होने के, बहुत ध्यान समझिएगा, संसद सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर क्या होना चाहिए? इसका अनुमोदन होना चाहिए, ठीक। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर अध्यादेश जारी करना है तो इसका अनुमोदन 6 सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो अध्यादेश फिर खारिज कर दिया जाता, अध्यादेश लागू नहीं होता है। लेकिन यदि अनुमोदन हो जाता है तो संसद सत्र प्रारंभ होने के, बहुत ध्यान, संसद सत्र बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संसद सत्र प्रारंभ होने के, मतलब अगर नया सत्र लागू होने वाला है और अध्यादेश जारी करना है तो वो ध्यान समझिएगा कि प्रारंभ होने के पहले ही 6 सप्ताह पहले ही यदि इसका अनुमोदन हो जाता तो अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। लेकिन संसद सत्र अगर लागू हो गया और अध्यादेश जारी नहीं हो पाया है तो अध्यादेश क्या कर दिया जाता है भैया? खारिज कर दिया जाता है, फिर अध्यादेश लागू नहीं होता है। कुल मिलाकर एक मोटी मोटी भाषा में संसद सत्र अगर लागू होने वाला है और वो प्रारंभ नहीं हो पाया है और उसके पहले अध्यादेश अगर लागू कर दिया गया है तो अध्यादेश जारी रहेगा। लेकिन संसद सत्र अगर प्रारंभ हो चुका है तो अध्यादेश जो भी लाया गया था वो अध्यादेश क्या कर दिया जाएगा भैया? खारिज कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा, संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन होना इंपॉर्टेंट है। नहीं हो पाता है तो अध्यादेश क्या कर दिया जाएगा? खारिज। चलिए एक क्वेश्चन आता है इसे में, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। सही समय तो 6 सप्ताह है हमारे संविधान के अनुसार,
लेकिन कभी कभी पेपर में क्या होता है बेटा कि पेपर में लिख देता है कि जो अध्यादेश होता है वो कितने समय में लागू होता है या इसका अनुमोदन कितने समय में किया जाता है। ऑप्शन होगा 6 माह 6 दिन 1 साल 1 वर्ष या 3 माह, ऐसे लिखा होता है। अब लगा कंफ्यूज हो गया, सर जी आपने तो 6 सप्ताह बोला था, यहां तो कहीं 6 सप्ताह ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भी ऐसा कभी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप टिक लगा के आओगे 6 माह, कितना लगा के आओगे 6 माह। लेकिन यदि 6 माह नहीं है तो यहां लगा के आओगे 6 सप्ताह अगर पेपर में है तो। कुछ कह रहे हो सर जी दोनों के दोनों मिले तो आप लगा के आओगे 6 सप्ताह, फिर 6 माह को आप लगा के, 6 माह को लगा के आप नहीं आओगे, क्या लगा के आओगे 6 सप्ताह। लेकिन अभी तक ऐसे एग्जामिनेशन में कहीं पर भी नहीं मिला कि दोनों ऑप्शन मिले हो। जब भी मिले हैं तो क्या मिले, अलग अलग मिले, कभी 6 सप्ताह मिला है तो कभी 6 माह नहीं मिला है, कभी 6 माह नहीं मिला तो कभी 6 सप्ताह मिला। तो कुल मिला के अलग अलग मिलते हैं, तो अगर 6 माह नहीं तो 6 सप्ताह, 6 सप्ताह नहीं तो 6 माह। लेकिन यदि दोनों है तो आप प्राथमिकता किसको दे के आओगे, 6 सप्ताह लगा के आओगे, ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या बेटा अध्यादेश। तो क्या क्या पढ़े हम लोग, 74, 71, 72, 123, ये हमारे अध्यादेश से संबंधित जितने भी मतलब राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स और आगे के थे इंपॉर्टेंट, उन्होंने इसको पढ़ा। अब हम लोग कुछ और बातें पढ़ते हैं। जो और बातें हैं वो भैया ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति आपको मैंने बताया था पार्ट वन में कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। क्या होता है? अंग, मतलब कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो संसद का क्या है भैया, अंग है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति संसद का क्या है, अंग, और अंग के कितने पार्ट, 3। कौन कौन से? पहला नंबर राज्य सभा, कुछ भी ले सकते हैं, लोकसभा ले सकते हैं, राज्य सभा। दूसरा लोक, बेटा संसद है, मैं आप सोच राष्ट्रपति के 3 पार्ट है, नहीं भाई संसद के 3 अंग है, राज्य सभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्र। ये क्या चीज है भैया, ये चीज है कि आप समझे वो ध्यान से, जब भी किसी भी प्रकार से हमारे देश में किसी प्रकार से कोई भी कानून में बदलाव किया जाता है या कोई विधेयक, नया विधेयक लाया जाता है या कोई कानून लागू कराना होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून कभी विधेयक के रूप में लागू नहीं हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर विधेयक बोले तो जो हमारा कानून है वो कभी लागू किया नहीं जा सकता है। तो कोई पूछे कि राष्ट्रपति संसद का क्या है, अंग है, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कभी कानून बनाया नहीं जा सकता है। मान लेते हैं कोई भी एक विधेयक लोकसभा से या राज्यसभा से कहीं से भी पारित किया गया, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ राज्यसभा से पारित किया गया, फिर वो चला गया लोकसभा, लोकसभा से पारित कर दिया गया, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा भैया, हस्ताक्षर करेगा, जब वो हस्ताक्षर कर देगा तब वो विधेयक के रूप में लागू किया जा सकता है। यह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किसी विधेयक को, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या किसी विधेयक को राष्ट्रपति संशोधित या राष्ट्रपति संशोधित करा सकता है? बहुत ध्यान समझिएगा, क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई विधेयक आया, विधेयक पारित भी हो गया, क्या राष्ट्रपति उस पर संशोधन करा सकता है? तो आप तुरंत बताओगे नहीं भैया, राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी किसी विधेयक पर संशोधन करा नहीं सकता है, उसे रोक सकता है, क्या कर सकता है, उसे रोक सकता है, उसे मानने से इनकार कर सकता है, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। इस शब्द का एक नया नाम दिया गया है, इसको कहते हैं वीटो, क्या कहते हैं वीटो, इसका लोग कहते हैं वीटो पावर। तो किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, इसे कहते हैं वीटो। लेकिन किसी विधेयक पर राष्ट्रपति संशोधन करा सकता है, तो ऐसा हमारे संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी किसी विधेयक पर संशोधन नहीं करा सकता है। ठीक, प्रायः समान विधेयक पर जब भी हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रपति अंतिम में हस्ताक्षर करता है, जैसे कि पहले राज्यसभा से मान लो पारित हुआ, फिर लोकसभा से पारित हुआ, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर क्या करेगा भैया, हस्ताक्षर कर देगा, ध्यान रखिएगा। और हस्ताक्षर करने के बाद वह विधेयक कानून के रूप में क्या हो जाएगा भाई, लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही सर जी, लेकिन
कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति को पहले हस्ताक्षर करना पड़ता है। कैसा मतलब सचिव? समान विधेयक में लोकसभा राज्यसभा से परमिशन मिल जाती है, फिर बाद में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, लेकिन कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति के पहले ही हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं, राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर करता है। जैसे सभी कौन कौन से विधेयक हैं, तो ऐसे विधेयक में पहला नंबर है धन / वित्त विधेयक। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर करेगा। कैसे हस्ताक्षर करेगा? पहले हस्ताक्षर करेगा, यह पहला नंबर। दूसरा नंबर, संविधान संशोधन विधेयक। कौन कौन होगा? संविधान संशोधन विधेयक। अगर किसी प्रकार से हमारे यहां किसी भी कानून में बदलाव होना है, संविधान संशोधन होना है, जिसका आर्टिकल 368 में उल्लेख किया गया है, संशोधन होना है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पहले ही क्या ले लिए जाते हैं? हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। ठीक। तीसरा नंबर, नए राज्य के निर्माण में। यह सही क्या मतलब है? अभी हाल ही में देखा होगा आंध्रा से कटके तेलंगाना बना। जब भी कोई नया राज्य बनता है, नए राज्य का निर्माण होता है, तो ऐसे विधेयकों में भी राष्ट्रपति के पहले क्या लेने पड़ते हैं भैया? हस्ताक्षर लेने पड़ते हैं। तो भैया ध्यान रखिए कहां का राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर? समान विधेयक में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर रहा है बाद में, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे विधेयक है जहां राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर लिए जाते हैं। वो कौन कौन विधेयक है? धन / वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और नए राज्य के निर्माण में। ध्यान रखिएगा इसको आप अलग अलग कर सकते हो, कुछ लोग चार बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, धन अलग कर सकते हो, वित्त अलग कर सकते हो, लेकिन धन विधेयक बोल देते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सवालदार समझ जाएंगे भैया ये सब विधेयक क्या होंगे, भैया इस पर राष्ट्रपति पहले क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट, इस पॉइंट में जो लिखा है वीटो। मैंने थोड़े पहले बताया कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं वीटो। क्या कहते हैं? वीटो। ये राष्ट्रपति को स्पेशली तौर पर उन्होंने क्या किया है? संविधान के अनुसार प्रदान किया है। जो राष्ट्रपति के वीटो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं। कोई पूछा भैया आप लोगों से कि राष्ट्रपति के वीटो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के कौन कौन से वीटो हैं, इनके मैं नाम अभी बताता हूं आपको। तो सबसे पहला वीटो भैया ध्यान रखिएगा, इस वीटो का क्या अर्थ है? तो मैंने कहा यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना करता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं भैया क्या? वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो। क्या कहते हैं? वीटो। वीटो होते कितने प्रकार के हैं? मैंने बताया तीन प्रकार के। पहला नंबर आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, पहला नंबर होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, ठीक। इसी को आप लोग कहते हो जेबी वीटो। क्या कहते हैं बेटा? जेबी वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। कारी। तीसरा होता है अत्यधिक वीटो। ठीक। तो कौन कौन से वीटो होते हैं? तीन प्रकार के वीटो होते हैं। कौन कौन से वीटो भैया है? पहला नंबर पॉकेट वीटो, जिसको बोलते हैं जेबी वीटो। दूसरा नंबर होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है अत्यधिक वीटो। भैया ध्यान रखिएगा इन तीनों वीटो में अंतर क्या है वो यही समझते हैं। पॉकेट वीटो वो वीटो होता है कि जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर आता है और राष्ट्रपति को वो विधेयक लग रहा है कि विधेयक सही नहीं, लग रहा है कि विधेयक सही नहीं, तो उस पर राष्ट्रपति, उसको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, संसद को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है इस विधेयक को अगर लागू करते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं देश के सामने कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखेगा राष्ट्रपति अपने इस वीटो पावर का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। इस वीटो पावर में लिखा गया संविधान में क्या बताया गया है कि संविधान इसके लिए मौन है
कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक विचार विमर्श करेगा, इसके लिए संविधान क्या भैया मौन है, मतलब शांत है, संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया है। इसी कहते हैं पॉकेट वीटो, या दूसरे अक्षर कहते हैं इसको जेबी वीटो। क्या हो गया, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक विचार विमर्श करेगा इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, ऐसे वीटो को कहते हैं हम लोग क्या भैया पॉकेट वीटो, इसका दूसरा नाम क्या है जेबी वीटो। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ऐसा कितने बार हुआ है इंडिया के अंदर, ऐसा ओनली वन बार, एक बार ओनली वन टाइम ऐसा हुआ है। किसने किया था, तो हमारे यहाँ के एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने, हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, इस वीटो पावर का क्या किया था, प्रयोग किया था। कब, किससे विधेयक में किया था, तो उस विधेयक का नाम था पोस्ट ऑफिस अवनमेंट। अवनमेंट का अर्थ होता है संविधान संशोधन, ध्यान रखेगा, अवनमेंट बिल, जिसको बोलते हैं डाक विभाग संशोधन विधेयक। अवनमेंट का मतलब क्या होगा, संविधान संशोधन, ध्यान रखेगा। ठीक ना, तो कोई पूछा आप लोगों से कि पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर ज्ञानी जैल सिंह ने सिर्फ एक बार इस वीटो पावर का क्या किया भैया, प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो कोई पूछा आप लोगों से कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। किस वीटो पर किया गया था, किस संविधान संशोधन पर किया गया था, हिंदी में डाक विभाग बिल पर, या हिंदी बोले पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर। कितने बार ऐसा हुआ, सिर्फ ओनली फॉर वन बार, फिर दोबारा आज तक किसी राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग नहीं किया। अब आते हैं निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो वह वीटो होता है कि यदि कोई विधेयक, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाए, पारित हो गया हम, और लोकसभा राज्यसभा से जब ये बिल पारित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को, बहुत ध्यान समझिएगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए, कैसे भैया, पुनर्विचार के लिए वापस किया जा सकता है। बहुत क्लियर समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा भैया, क्या कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा यदि बिल पारित करता है, तो ऐसी स्थिति में वह बिल कहां आता है, राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। कितने बार, ओनली फॉर वन बार, एक बार, सिर्फ पुनर्विचार के लिए सिर्फ एक बार जा सकता है, और वह विधेयक पुनर्विचार के लिए फिर पुनः कहां जाएगा, संसद। अगर संसद में वह विधेयक फिर पुनः पारित होकर आता है, तो भैया राष्ट्रपति को उस विधेयक पर क्या करना पड़ जाएगा भैया, हस्ताक्षर करना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया क्या, कि अगर किसी भी स्थिति में संसद से कोई बिल पारित होकर आया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, किस वीटो के तहत, निलंबनकारी वीटो के तहत ऐसा कर सकता है, और पुनर्विचार होने के बाद यदि वह विधेयक फिर से वापस आता है संसद के माध्यम से राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, इसी कहते हैं निलंबनकारी वीटो। आते हैं तीसरा नंबर, अत्यधिक वीटो। अत्यधिक वीटो जो होता है, वो राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सिफारिश कराता करता है, इसकी अत्यधिक वीटो के लिए किसके माध्यम से करेगा, मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर करेगा, के आधार पर करता। तो ऐसा कौन सा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद से सिफारिश लेता है, तो अत्यधिक वीटो पर राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद से क्या लेता है, सिफारिश लेता है। इस वीटो पर वो प्रयोग कब करता है, जब चुनावी पीरियड आता है, चुनावी समय आता है, और अंतिम में जब देखते होंगे पूरा 5 साल कार्यकाल खत्म होता है, तो हर जगह पर धन विधेयक वित्त विधेयक फटाफट क्या किया जाते हैं, पारित करा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस वित्त विधेयक और धन विधेयक को देखने के लिए जो राष्ट्रपति होता है, अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से उस विधेयक पर क्या कर सकता है भैया, रोक लगा सकता है। लेकिन उस वीटो क्या कहते हैं लोग, अत्यधिक वीटो। लेकिन इसके लिए वो किससे सिफारिश, किससे सलाह लेगा, अपनी मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर किस वीटो प्रयोग करेगा, अत्यधिक वीटो का। तो समझ लोगे तीन वीटो कौन कौन से हो भैया, पहला नंबर पॉकेट वीटो, दूसरा निलंबनकारी, तीसरा अत्यधिक वीटो। एक बार पूरा रिवीजन मारा वो तेज देखेगा,
पॉकेट वीटो वो वीटो होता है या जेबी वीटो वही वो वीटो होता है कि यदि कोई विधेयक संसद के माध्यम से पारित होकर आया है तो राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श कर सकता है, और कब तक करेगा इस पर संविधान क्या है भैया, मौन है, मौन का मतलब शांत है, इसका उल्लेख नहीं किया गया संविधान के अंदर कि वो कब तक विचार विमर्श पर करता है। इसी ऐसे वीटो क्या कहते हैं, पॉकेट या जेबी वीटो। ऐसा कितने बार हुआ इंडिया के अंदर, एक बार किस राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया है, यानी जैल सिंह ने। किस संविधान संशोधन के मतलब किस संविधान संशोधन में किया था, तो हमारे राजीव गांधी जी के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पारित हुआ था, उसी पर इस वीटो पावर का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। दूसरा वीटो कौन होता है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो वो वीटो होता है कि जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर आता है और राष्ट्रपति घर पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, कैसे भैया, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए किस वीटो के तहत, निलंबनकारी। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी वीटो को कितने बार वापस कर सकता है, ओनली फॉर एक बार कर सकता है, और जब वो पुनर्विचार के बाद दोबारा आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। अत्याधिक वीटो प्रयोग राष्ट्रपति किसके माध्यम से करता है, मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर करता है। कब करता है, जब सरकार एकदम अंतिम चरण पर होती है तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के माध्यम से जो भी विधेयक होते हैं उनको फटाफट क्या कर सकता है, रुकवा सकता है या उन्हें खारिज करा सकता है। इसके लिए उससे वो किससे सलाह लेगा, अपनी मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर अत्याधिक वीटो क्या करता है बेटा, प्रयोग करता है। ठीक, तो ये राष्ट्रपति क्या होगा भैया, वीटो पावर होगा, ध्यान रखिएगा। इसी चैप्टर में कुछ और बातें हैं वो हम लोग इसी चैप्टर के जो पार्ट थ्री बनाएंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस पार्ट थ्री मुझे ये बताना है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्तियां करता है, किस तरीके से करता है, किस किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये सब बातें बतानी है, सबकी नियुक्तियां बतानी है। उसी पार्ट थ्री में हम लोग इसी टॉपिक का सबसे अंतिम चरण में चलेंगे, उसमें हम लोग बताएंगे राष्ट्रपति के जितने भी क्रम हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा जितने भी क्रम हैं उन क्रम संख्या को पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टर के बारे में दो दो बातों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल हम उनके कैरेक्टर से पेपर में क्वेश्चंस बनना क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा इस बार हमारे पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन मिला कि उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था भैया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, ध्यान रखिएगा। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसके शासनकाल में जो हमारे यहाँ दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, वो कौन सा राष्ट्रपति था, उस राष्ट्रपति का नाम बीबी गिरी। तीसरा राष्ट्रपति कौन था, तो भाई थोड़े नाम बताया फखरुद्दीन अली अहमद। इस तरीके से आजकल पेपर में क्या मिलने लगे हमको बेटा, क्वेश्चंस मिलने लगे, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो आजकल उनके कैरेक्टर से क्वेश्चन बनने हैं, क्रम से पेपर में लगभग लगभग क्वेश्चन बनना बंद कर दिए गए हैं, आजकल उनके कैरेक्टर से पेपर बनना चालू हो गया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ध्यान रोग इनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे पार्ट थ्री में, जो हमारा राष्ट्रपति का सबसे लास्ट लेक्चर होगा, ध्यान रखिएगा। सभी लोग हमारे दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सभी लोग ध्यान से उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके माध्यम से आपको एजुकेशन से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। हाँ, एक और बात, बेल आइकन्स की बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर हैं वो आपको उन्हीं के माध्यम से क्या होते रहेंगे भैया, प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।